आज की ये जो बैठक हुई ये बहुत ही ठीक ढंग से सभी पार्टियों ने मिलकर चलाया। इसका उद्देश्य क्या था ये तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है और हम इसकी कोशिश बहुत दिन से कर रहे हैं। जब मैं बेंगलोर में था उस वक्त भी जो वहां पर मीटिंग हो गई थी, इससे पहले पटना में हो गई थी, उसके पहले तैयारी के लिए हमने मेरे घर पर भी राहुल साहब और नीतीश साहब, तेजस्वी और हमारे पवार साहब सभी मिलके एक बार बात किए, उसका एक ढांचा बना। उसके बाद जो नीतीश साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एक एजेंडा तय करने की बात हो गई और उसके बाद में बेंगलुरु का हुआ। अब यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे और खास करके सभी को एक ही, सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। अब पेट्रोल की, एलपीजी की जो दाम थी वो मोर आर लेस डबल हो गई, लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम किया, यानी 700 बाकी रहा। यानी पहला जो 55 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था उसको उन्होंने अभी भी 70 रुपए में ही रख, 70-75 में रखा, यानी कोई कम नहीं हुआ। पहले जो था उससे ज्यादा बढ़ाए थे, उसको थोड़ा कम कर, लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने कमाया। ये तो गरीबों से चोरी कर दिए और गरीबों के जो काटे, और लोगों को दिखाने के लिए 100-200 रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूं, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। और यहाँ पर तो कल ही एक रिपोर्ट आपके सामने राहुल गांधी जी ने रखा था, अडानी की संपत्ति बढ़ गई कैसी, बढ़ाए कौन, और कैसा आज कम से कम 75,000 करोड़ रुपए गरीबों के जो पैसे थे उनके जेब में कैसा गया, ये सारी चीजें उन्होंने बताया। तो ये जो है इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बड़े बड़े सरमाएदार है और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है। और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए हम एक जो तय किए हैं, जो रेजोल्यूशन भी हम आप देखे हैं, और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे, और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं,